पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। जिला पुलिस कप्तान खोत्र श्रीकांत सुरेश राव के निर्देश पर अंचलाधिकारी राकेश सहाय, पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार व थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से बालू घाट एवं बालू डंपिंग यार्ड के निरीक्षण से लौटने के दौरान अवैध रूप से बालू का परिवहन करते एक ट्रैक्टर नंबर GH01AM5453 को पकड़कर थाना में जब्त किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार सभी प्रतिबंधित बालू घाट एवं डंपिंग यार्ड से बालू के उठाव पर 15 जून से 12 अगस्त तक पूर्णतः रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी बालू माफिया अवैध रूप से बालू का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो सरकार के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन है, के साथ ही करना कानून अपराध है। उप ट्रैक्टर की जब्ती के बाद ट्रैक्टर पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, साथ अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला के वरीय पदाधिकारियों के पास लिखित सूचना भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध रूप से कारोबार पनपने नहीं दूंगा। इधर इस तरह की कार्रवाई से ट्रैक्टर मालिकों एवं अन्य अवैध रूप से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों के अलावा पुलिस के जवान मौजूद थे।